कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जो किया, अपनी पत्नी के नाम 14 प्लॉट कर लिए, फिर उन्हें वो सरेंडर करने की बात कर रहे हैं। ऐसा ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी यही कुछ ऐसा किया। अब ये सब उनको वापस करते घूम रहे हैं। जब चोर पकड़ा जाता है तो वो या तो चोरी का सामान वापस करता है या कहता मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो देश के माल को लूट करके इन्होंने अपने घरों को भरा है। इन सब की प्रॉपर्टी की जांच तो कराओ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो सुपुत्र हैं, जरा जब वो राजनीति में नहीं थे उनकी संपत्ति कितनी थी? खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब राजनीति में नहीं थे उनकी संपत्ति कितनी है, कितनी थी, अब कितनी है? सिद्धरमैया जी ने तो हद ही कर दी। फिर जब ईडी जांच करती है, सीबीआई जांच करती है, तो कहते हैं साहब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ईडी तोता बन गई है, मैना बन गई है। ये सब भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुके हैं, आकंठ तक डूबे हुए हैं। लूट की है इन्होंने देश की। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी बाधा है इनकी लूट में, तो फड़फड़ा रहे, प्राश्चित करना चाहते हैं, लेकिन प्राश्चित हो नहीं पाएगा। मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि दक्षिण के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको उनका पूर्व दर्जा नहीं मिला है। सिद्धरमैया कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर हम लोग संसद में सवाल उठाएंगे। सवाल उठाए, सवाल उठाने को कौन रोकता है? लेकिन सवाल उठाते थोड़े ही है, संसद में तो हुड़दंग करते, काले कपड़े पहन के रावण की सेना की तरह कूदते हैं। सवाल उठाने को तो किसी ने रोका है क्या? संसद तो सवाल उठाने की जगह है, लेकिन उठाते नहीं। ईडी के कुछ नेता हैं जो उनके ऊपर रेड लगी ईडी की, लेकिन बिग ब्रदर हैं जो कांग्रेस के नेताओं को बचाने में लगे हैं। ये बिग ब्रदर कौन है, क्या लगता है कि बिग ब्रदर किसको कह रहे हैं? सारी दुनिया जानती है कि बिग ब्रदर कौन है कांग्रेस में, बल्कि बिग ब्रदर नहीं है, बिग बॉस है। कांग्रेस के तो बिग बॉस हैं। और सच बात यह है कि राहुल गांधी जो हैं पौरुष के हाथी बन चुके हैं, अपनी सेना को ही कुचल रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को निपटाने में उन्होंने देर नहीं लगाई। गुलाम नबी आजाद को निपटाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को निपटाया, दिग्विजय सिंह जी को निपटाया, कमलनाथ जी को निपटाया, अब हुड्डा को निपटा दिया, आनंद शर्मा को निपटाया, पूरे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को निपटाया, बिहार कांग्रेस निपटाई, आंध्र प्रदेश को निपटाया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को निपटाया, सचिन पायलट को निपटाया। ये तो सिलसिला चल रहा है राहुल गांधी जी का। ये पौरुष के हाथी बन गए हैं। अभी ने बिग बॉस कहो, बिग ब्रदर कहो, सच मायने में राहुल गांधी पौरुष के हाथी हैं जो अपनी सेना के तमाम सेनापतियों को निपटाने में लगे हैं। रौंद दे रहे हैं, रौंद दिया है सबको। अब किस किस को कब रौंदेंगे, कब तक रौंदेंगे, ये सब मैं बताएगा। हरियाणा के चुनाव की बात करें तो हुड्डा जी और कुमारी शैलजा को लेकर भी कुछ सवाल खड़े करेंगे थे, अब हार गए हैं और अब फिर दोबारा उनको सब पे ठीक है बात करें। देखिए हुड्डा जी बहुत वरिष्ठ जमीनी नेता हैं। भूपेंद्र हुड्डा की तो तौहीन करते थे ये। भूपेंद्र हुड्डा को तो मुख्यमंत्री बनाते ही नहीं। अगर 45 से ज्यादा सीट आ जाती तो भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, ये भूपेंद्र हुड्डा जानते थे। ये तो वरिष्ठ लोगों की तौहीन करते हैं। और सवाल शैलजा कुमारी का या हुड्डा जी का, अशोक तंवर का या किरण चौधरी का नहीं है। हरियाणा की जो हार है ये तो राहुल गांधी की हार है। लोगों ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया है, राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेता कोई। हरियाणा के चुनावों के जो परिणाम हैं उन्होंने ये बता दिया है, ये प्रूव कर दिया है कि राहुल गांधी जी प्रासंगिक नहीं रह गए, अप्रासंगिक हो गए, इररिलेवेंट हो गए। देखना महाराष्ट्र में राहुल गांधी जाएंगे बुरी तरह हारेगी कांग्रेस, झारखंड जाएंगे बुरी तरह हारेगी, जहां जहां राहुल गांधी जाएंगे वहां सूपड़ा साफ हो जाएगा।
खुद ही जम्मू कश्मीर की बात करें, अब सरकार बनने जा रही है, राष्ट्रपति शासन हट गया है, तो क्या कांग्रेस के जो सांसद जो विधायक जो वहां जीते हैं, क्या उनको कोई पद मिलने की आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में कोई जगह मिलेगी उनको? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं उमर अब्दुल्ला को बधाई देता हूं, दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। एक बार पहले वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब को बधाई देता हूं, जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। जहां तक रहा कांग्रेस का सवाल, कांग्रेस की सीटें कितनी है? 5 या 6। किसी दिन भी रात को सोएंगे कांग्रेस ही बन के सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस में मर्ज हो जाएंगे या किसी और जगह चले जाएंगे। अब कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। या तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि राहुल गांधी को हटाएं, और राहुल गांधी अगर नहीं हटेंगे तो पूरी कांग्रेस हट जाएगी। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।